नमस्कार, ऊर्जा वास्तु में मैं धीरेन्द्र शाह। वास्तु के टिप रोज में जो अलग अलग प्रकार की देता हूँ, इसमें एक आज सबसे बड़ी टिप्स, जो भी मकान में दक्षिण का मेन डोर है, और सब लोग वास्तु में ऐसे बताते हैं कि दक्षिण का मेन डोर नेगेटिव परिणाम देता है और वो इसमें बेनिफिट नहीं देता है। इधर मैं ये बात को खंडन करना चाहता हूँ। दक्षिण दिशा का मेन डोर आपकी जन्म तारीख के आते हुए आपका बिजनेस के साथ में जुड़ा है, और अगर आपकी कुंडली में मंगल का प्रभाव बहुत अच्छा है, तब दक्षिण दिशा का मेन डोर आपको सबसे ज़्यादा पॉजिटिव परिणाम देता है। और आज के समय के हिसाब से, आज की तारीख का जिस तरह एटमोसफियर है, इसमें मेरे खुद का एक्सपीरियंस है, और मैंने बहुत सारी जगह पर एक बात देखी है कि दक्षिण दिशा का मेन डोर सबसे ज़्यादा आर्थिक, मानसिक, शारीरिक और सामाजिक और चारों तरह में अच्छी तरह बेनिफिट देता है, और बहुत बड़ा बेनिफिट देता है, और बहुत लंबे टाइम तक बेनिफिट देता है। अरे, मैं आज की बात में एक ही इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आपका दक्षिण डोर का मेन डोर है, तो वो मकान में रहने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जब तकलीफ है, तो आप उसमें दूसरे कोने तपासिए, कौन से कोने में कौन सा वास्तु दोष हो वो चेक कीजिए, और आप दक्षिण के दरवाजे में आप अच्छी तरह रह सकते हैं, उसको परचेज कर सकते हैं, और अपना आपका आप अपने परिवार को सुखी रह पाते कर सकते हैं। अगर आपको सुखी करना है आपके परिवार को, तो दक्षिण का मेन डोर या तो दक्षिण दिशा को अच्छी तरह पॉजिटिव बना दीजिए। नमस्कार।